हेलो दोस्तों, ये सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है जो हम जुन्नू की टैग के साथ ला रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं और 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं या 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो उनको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलती है और कैसे वो स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब अप्लाई करते हैं या मतलब माइंड में ये रहता है कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से ले। तो आज आपको जुन्नू की टेक बताएंगे स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है। अब बुलाते हैं हम जुन्नू की टेक को और उनसे हम पूछते हैं स्पॉन्सरशिप कैसे लें। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको स्पॉन्सरशिप के ऊपर फोकस नहीं करना है। जब आपके चैनल पर 50 से 60 व्यूज आते हैं या 400 से 500 व्यूज आते हैं, आपको फोकस ये करना है कि अपने चैनल को हम ग्रो कैसे करें। अगर आप स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप के चक्कर में लग जाओगे तो आपको जो व्यूज मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। स्पॉन्सरशिप तो आपको 100 व्यूज पर भी मिल जाएगा और आपको 100 रुपीज पे कर देंगे या 200 रुपीज दे देंगे, लेकिन वो एप्लीकेशंस बेकार होते हैं जो आपको 200 व्यूज पर भी स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। वो एप्लीकेशंस आपको स्पॉन्सरशिप इसलिए देते हैं, अगर आपकी साइड से उनके पास 4 से 5 बंदे भी चले जाते हैं तो उनका पैसा डबल हो जाता है, जितना आपको जो उससे 10 गुना ज्यादा हो जाता है। जुनैद भाई, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि स्टार्टिंग में हमें स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए या नहीं। मेरे को यूट्यूब पे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं काम करते हुए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप ना लें। अगर आप स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दोगे तो भाई आप अपने चैनल को डाउन कर सकते हो। स्टार्टिंग में 400 से 500 व्यूज लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप बेकार एप्लीकेशंस को प्रमोट करना शुरू कर दोगे पैसों के चक्कर में, तो आपका जो व्यूज आ रहे हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको स्पॉन्सरशिप के लिए खुद से किसी को नहीं बोलना है, अपने चैनल को ग्रो करने पे ध्यान दो तो भाई आपके पास खुद ब्रांड्स मेल करेंगे। ओके, तो अब हमें ये बताइए कि स्पॉन्सरशिप को लेकर के स्कैम कैसे होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपकी वीडियो पे 1,000, 2,000 या 3,000 जितने भी व्यूज आते हैं और आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप लेना है, और आप 2,000 या 1,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप ले भी लेते हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके साथ स्कैम हो सकता है। वीडियो बनाने से पहले आपको 50% पेमेंट ले लेना है, और अगर सामने वाला बंदा आपको 50% नहीं दे रहा तो आपको वीडियो नहीं बनाना है। और अगर आपको 10% भी करने के लिए रेडी है तो आप वीडियो बना दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ब्रांड ऐसा बोल रहा है कि आप वीडियो को पब्लिश कर दो, हम आपको 100% पेमेंट कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आपके साथ स्कैम हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जो बंदे काम करते हैं वो पैसा मार लेते हैं बीच में। वीडियो बनाने से पहले आपको 50% पेमेंट लेना है, एंड वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, अपलोड करने के बाद, अनलिस्टेड लिंक देने के बाद आपको 50% पेमेंट लेना है, उसके बाद ही आपको वीडियो को पब्लिश करना है। तो जुनैद भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि औकात से ज्यादा पेमेंट देती है कंपनी, तो उसमें मतलब क्या उनका रोल है, मुझे एक बार बताइए प्लीज कि मतलब वो क्यों इतना प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई कंपनी आपको $1,000, $500 या $100 2 से 3 हजार व्यूज पे दे रही है, कुल मिलाकर बात यह है कि आपके चैनल की औकात से ज्यादा आपको पैसा दे रही है। अगर आपके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं और आपको $2,000, $5,000 इस तरीके से ऑफर कर रही है, तो समझ जाना आपका चैनल खतरे में है। वो आपको बोलेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, और जब आप उसको इंस्टॉल करोगे वो आपसे कोड वगैरह एंटर करवाएंगे, देन आपका चैनल हैक हो जाएगा, और उसके बाद भाई यूट्यूब को ही कॉन्टेक्ट करते रहोगे आप लोग। और ऐसा ऑलरेडी काफी पर्सन के साथ हो चुका है, और वो कंपनीज आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह सेंड करेगी, कंपनी के फोटो सेंड करेगी, कंपनी में इतने बंदे काम कर रहे हैं सब कुछ सेंड करेगी आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए, लेकिन आपको बच के रहना। तो जुन्नू भाई, मुझे बताइए आपके साथ भी कोई इस तरह का स्पैम हुआ है, प्लीज अगर जो हुआ है तो जरूर बताना अपना एक्सपीरियंस। यस, मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। मैंने एक कंपनी से कॉन्टेक्ट किया था, उसने मेरे को एडवांस में ओनली 1,000 रुपीज दिया, और मेरा डील भाई 30K प्लस में हुआ था, तो अभी तक उसने मेरा बाकी का पैसा नहीं दिया। वो बंदा कंपनी से लेकर पैसा खा गया, और कंपनी वाले मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तुमने पैसा रख लिया और वीडियो पब्लिश नहीं किया, इस तरीके से अपना फेस वैल्यू खराब हो जाता है, तो आपको 50% एडवांस लेना चाहिए। और एक कंपनी का मेरे पास मेल आया था, $5,000 ऑफर कर रही थी, एंड मैंने ट्रस्ट मी गाइस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन अपने उस पीसी में नहीं किया था जिसमें मैं अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस करता हूँ, और एक बंदे का चैनल हैक हुआ था उसी टाइम, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स थे, शुक्र मैंने नहीं किया था, लेकिन उस बंदे का चैनल रिकवर हो गया था। थैंक यू सो मच जुनैद भाई हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए, तो वाओ टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।